योगी सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए तरह तरह की नीति अपनाने की बात कह रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भ्रष्टाचार के मामलों पर कड़ी कार्यवाही भी कर रहे हैं। प्रदेश की नौकरशाही को सख्त संदेश दे रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार पर लगाम की नीति फेल होती नजर आ रही है। ताजा मामला फतेहपुर जनपद के सदर तहसील के जमरावा हलके के लेखपाल चंद्र कुमार पटेल का है। आपको बता दें कि सदर तहसील के जमरावा हलके में तैनात भ्रष्ट लेखपाल चंद्र कुमार पटेल की जिलाधिकारी अपूर्वा द्विवेदी से शिकायती पत्र देते हुए हुसैनगंज थाना क्षेत्र के पूरे सुधा निवासी 65 वर्षीय बुजुर्ग कृष्णानंद पुत्र रामगोपाल ने हलका लेखपाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। कृष्णानंद का आरोप है कि लेखपाल ने इंतकाब खसरा और हिंसा फांट बनाने के नाम पर उससे 2000 रुपए की मांग की। 1000 रुपए दिए तो लेखपाल ने उनका हिंसा फांट खसरा गलत बना दिया। जब पीड़ित किसान क्रेडिट कार्ड फाइल बनवाने के लिए बैंक के वकील के पास गया तो उन्होंने गलत बताते हुए वापस किया, तो पीड़ित कृष्णानंद फिर लेखपाल चंद्र कुमार के पास गया तो लेखपाल ने फिर से पूरे कागज बनने की बात कही और 2000 रुपए की फिर मांग की। पीड़ित का आरोप है कि मैं मजबूर होकर फिर से पैसा दिया हूं। बार बार लेखपाल द्वारा गरीब का शोषण करने पर पीड़ित ने डीएम से मामले की जांच कर लेखपाल के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की है। अब देखने वाली बात यह है कि फतेहपुर में राजस्व विभाग के जिम्मेदार अधिकारी इस मामले पर क्या रुख अपनाते हैं। वहीं इस मामले में तहसीलदार सदर विदुषी सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा, हमारे पास अभी कोई शिकायती पत्र नहीं आया, अगर आता है तो जांच करवाकर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। क्या नाम है आपका? कृष्णा नाम। कहाँ से आए हैं? दफपुरवा से। कहाँ पे आए हैं? डीएम के यहाँ। किस लिए? फतेहपुर। काहिक भरे? ऐसा है कि लेखपाल ने हमारा खतरा बनाया है, गलत बनाया, दो हजार रुपये दिया, गलत बना दिया, और आज फिर 2000 रुपये दिया, अब आज बना रहा है। कौन है लेखपाल? क्या नाम था? हाँ, चंद कुमार। कौन सा काम है आपका? सुधा पुरवा।